गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सिक्स की साइंस की बुक में हमारा चैप्टर सिक्स चेंजेस अराउंड अस, हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तन, ठीक है, ये हमारा चल रहा था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो दूसरे प्रकार के चेंजेस होते हैं वो आपको बताऊंगा। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय जो परिवर्तन उनको बताया था। आज की इस वीडियो में हम जो दूसरे प्रकार के परिवर्तन होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वी हैव ऑल सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल। हम सभी ने जो है जो औजार होते हैं जो जमीन को खोदने के लिए उपयोग में होते हैं उनको देखा है। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल। तो क्या आपने देखा है कि किस प्रकार से जो है जो इनके जो लोहे का जो हिस्सा होता है इन औजारों में, उनमें जो है लकड़ी का जो हत्था होता है वो कैसे जो है इनमें फिक्स किया जाता है या कैसे डाला जाता है करके। द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ ए रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। तो इन औजारों में जो है, इन लोहे के औजारों में जो है एक बीच में एक रिंग यानी कि एक छेद होता है जिसमें जो है लकड़ी के जो है हत्थे फंसाए जाते हैं। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। सामान्यतः जो इनका साइज होता है इन औजारों के बीच में जिसमें हैंडल फंसाया जाता है वो बहुत छोटा होता है। जो वुडन हैंडल लगा होता है इनसे काफ़ी छोटा होता है उसमें। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज। ठीक है, तो इनमें जो है इन लकड़ी के हत्थों को डालने के लिए जो रिंग बनी होती है लोहे के औजारों में उनको गर्म किया जाता है और इससे क्या होता है उनका जो साइज होता है वह थोड़ा सा फैल जाता है। ठीक है, नाउ द हैंडल इजीली फिट इनटू द रिंग और जिस और आसानी से जो है उस रिंग के अंदर हम उस लकड़ी के हत्थे को फंसा देते हैं। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स और जब वह औजार का जो रिंग होता है जो छेद होता है वो जब ठंडा पड़ता है तो उसके बाद वो सिकुड़ने लगता है एंड फिट्स टाइटली टू द हैंडल और फिर वो जो है मजबूती से जो है उसमें उसके हत्थे में जो है वो जो है मजबूती से जुड़ जाता है। ठीक, सच ए चेंज इज ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन ए वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट एज शोन फिगर 6.7। तो इसी प्रकार से जो है जो लोहे की या धातु की कोई रिम होती है वो लकड़ी के पहिए पर इसी तरह से जो है फिक्स की जाती या लगाई जाती है जैसा कि आप फिगर 6.7 पे देख पा रहे हैं। तो जो घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी होती है तो उसकी जो ये व्हील होते हैं जो लकड़ी के बने होते हैं इसके ऊपर ये रिम लगाने के लिए जो है इस रिम को गर्म किया जाता है जिससे क्या है थोड़ी सी फैल जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है, तो जब इसमें आसानी से लग जाती है तो उसके बाद ठंडी होने पर जो है ये फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी यानी कि जो है फिर सिकुड़ जाती है और जो है इसको मजबूती से जो है इसके पहिए के ऊपर ये चढ़ जाती है ये वाली रिम। ठीक है, अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील और इसी प्रकार जो मेटल की जो रिम बनी होती है वह छोटी होती है किससे जो वुडन व्हील होता है लकड़ी का पहिया होता है छोटी होती है। ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड्स एंड फिट इन टू द व्हील और जब जो है इसको गर्म किया जाता है इस रिम को तो ये जो है फैल जाती है। कोल्ड वाटर इज देन पावर्ड ओवर दिम और उसके बाद जब ये उसमें फिट कर दी जाती है उस व्हील के ऊपर ये रिम तो उसमें ठंडा पानी डाला जाता है जिससे कि ये फिर से सिकुड़ना प्रारंभ कर देती है और आसानी से जो है फिर उसमें अच्छी तरह से मजबूती से उस पहिए के ऊपर जो है लग जाती है। व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन इट बिगिंस टू बॉयल आफ्टर सम टाइम। हमने देखा है कि जब हम किसी पानी को गर्म करते हैं किसी बर्तन में तो कुछ समय बाद वह जो है उबलने लगता है। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर अगर हम लगातार उसको गर्म करते जाएँ द क्वान्टिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिंस टू डिक्रीज। तो जो है जो मात्रा होगी उस बर्तन में रखे हुए पानी की वो लगातार कम होती चली जाती है। द वाटर चेंजेस इन टू इट्स वेपर इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट द वाटर वेपर गेट चेंजेस इन टू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज़ कूल्ड। तो आपने जो है जो हमने जो है जो चैप्टर 5 था हमारा उसमें एक्टिविटी 7 में जाना था जो वाटर होता है वो इसके वेपर्स में भाप में परिवर्तित हो जाता है और जब जो है ये भाप जो है जब ठंडी की जाती है या ठंडी होती है तो वापस जो है ये लिक्विड वाटर में यानी कि द्रव जल में जो है परिवर्तित हो जाती है। वी हैव ऑल नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस और हम लोगों ने जो है बर्फ़ के पिघलने को भी देखा है। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज़ हीटेड जो है बर्फ़
जो होती है वो पिघलने लगती है जब उसको गर्म किया जाता है। व्हाट डज इट चेंज इन टू? इज़ इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैग इन टू आइस? तो ये जो है परिवर्तन किस प्रकार का होता है? क्या हम जो है उस पानी से दोबारा जो है बर्फ़ को बना सकते हैं? लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। और इस प्रकार से जो है अब हम कुछ दूसरे प्रकार के जो परिवर्तन हैं उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम जो हमारे एक्टिविटी 7 है उसको देखते हैं, ठीक है। स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विथ ए स्केल। हमने एक छोटी मोमबत्ती लेनी है और उसकी लंबाई को नाप लेना है। नाउ फिक्स इट एट ए सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट। और हमने उसको एक जो है व्यवस्थित स्थान पर रखकर उसको जलाना है। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, और कुछ देर उसको जलने देना है। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। और उसके बाद उस मोमबत्ती को बुझा करके उसकी लेंथ को दोबारा नापना है। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स? तो ये जो चेंज हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है उसके आकार में, क्योंकि अब वो छोटी पड़ गई है जलने के बाद, कुछ देर जलने के बाद, तो क्या हम उसके जो परिवर्तन उस मोर का है क्या उसको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं? इफ़ यू आर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स? यदि हम किसी बर्तन में जो है कुछ वैक्स लें, यानी कि जो कुछ मोम लें और उसको गर्म करें और उसको फिर इस मोमबत्ती पे चिपका दें, तो इस तरह से जो है ये जो परिवर्तन हुआ है मोमबत्ती का आकार में, इसको हम ये रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि दोबारा प्राप्त कर सकते हैं इसकी अवस्था को हम, ठीक है। रिपीट एक्टिविटी 7 विथ एन इंक्रीज स्टिक, वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली। आपने एक्टिविटी जो 7 हमने करी थी, यानी मोमबत्ती को जला के रखना है, ठीक है, तो और इसको जो है पूरी तरह से जलने देना है। व्हाट आर द चेंजेस दैट अक्यूर इन द इंसेंस स्टिक? तो आप लोग जो है उस जली हुई जो स्टिक है उसमें क्या परिवर्तन आए? द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। तो जो जो मोमबत्ती में जो जो बीच में जो धागा होता है वो जल करके कुछ नया पदार्थ बना देता है। दीज आर एस एंड सम गैसेस। और जो ये जल करके जो धागा होता है मोमबत्ती के बीच में जो जलता है वो जो है राख और कुछ गैसें उत्पन्न करता है। वी कैन नॉट सी दीज चेंजेस बट कैन सेंस देम ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल। हम जो है इसको देख नहीं पाते हैं इन गैसेस को, लेकिन जो उसमें कुछ रुचिकर जो सुगंध आती है उसके जलने पर, इससे हम जो है उसको सूंघ सकते हैं, ठीक है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या जो यह प्रक्रिया है इसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं? यानी जो धागा जल गया है उस पर गैस और उसकी गैसेस बन गई हैं, तो हम इस चेंज को, इस परिवर्तन को जो है उन्हें वैसा ही अपना पुरानी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच अक्यूर्ड इन द मैचस्टिक यूज्ड फॉर लाइटिंग ए कैंडल और इंसेंस स्टिक? और इसी प्रकार से जो है हम जब किसी मैचस्टिक यानी माचिस की तीली को जलाते हैं, या जो है कैंडल की जो अंदर लगी हुई जो धागे की स्टिक होती है उसको जलाते हैं, तो इसमें जो है क्या परिवर्तन होता है? सो फार वी हैव डिस्कस्ड द चेंजेस अक्यूरिंग इन अ गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल। वट अबाउट द चेंजेस दैट अक्यूर वेन टू सब्सटेंसेज आर मिक्स टुगेदर? तो हमने इससे पहले भी जो हमारे चैप्टर थे उनमें ये पढ़ा था कि जो पदार्थ या वस्तु हमको दी जाती है, तो उनमें जो परिवर्तन होते हैं किसी दो पदार्थों में, वो जो है आपस में मिक्स हुए भी रहते हैं। इन चैप्टर 4 भी डिजोल्व साल्ट इन वाटर, हमने चैप्टर 4 में जो हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस था उसमें पढ़ा था कि जो है जब नमक जो है पानी में घुला घुला जाता है, डू यू थिंक अ चेंज अक्यूर्ड इन अ साल्ट और इन वाटर? तो क्या आप समझते हैं कि जो है कुछ परिवर्तन उस नमक या पानी में हुआ होगा? यस इन इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? क्या हम इस प्रक्रिया को पुनः प्राप्त कर सकते हैं? वेट, इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम इट्स ए सोल्यूशन इन वाटर। तो हमने जाना था चैप्टर 5 में कि कैसे जो है हम जल में घुले हुए नमक को किस प्रकार से जो है उसके विलयन से कैसे अलग कर सकते हैं। सो कैन वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिजॉल्विंग वाटर इन डिजॉल्विंग साल्ट इन वाटर बी रिवर्स? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो परिवर्तन होता है जो नमक घुला हुआ होता है पानी में, तो वो परिवर्तन उस वाले परिवर्तन उस परिवर्तन को हम जो है यानी कि उस घुले हुए नमक को जल के विलयन से हम जो है अलग कर सकते हैं या दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पहली, आस्क इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बींग सेट। तो पहली पूछती है कि क्या आपने कभी जो
दही है उसको जमा हुआ देखा है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क, और एक छोटी सी मात्रा जो है हम गर्म दूध में मिलाते हैं। द मिल्क इज स्टेयर्ड एंड इज सेट असाइड फॉर अ फ्यू हावर्स एट अ वार्म प्लेस, और उस मिल्क में दही को जो है घोल करके, ठीक है, हम कुछ घंटों के लिए गर्म जगह पर रख देते हैं। इन फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, और कुछ ही घंटों में जो है जो दूध होता है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हम जो हमारा दूध से दही बन चुका है हम उसको दही से वापस जो है दोबारा दूध बना सकते हैं। वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस कुड बी और बाई हीटिंग इट और बाई मिक्सिंग इट विथ सम अदर सब्सटेंस। तो कुछ विभिन्न प्रकार से जो है हम किसी पदार्थ को गर्म करके या उसमें किसी अन्य पदार्थ को मिक्स करके कोई दूसरा जो है पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स, और हमने इस प्रकार यह भी जाना कि कुछ जो पदार्थ होते हैं या कुछ जो परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं, पुनः अपनी पुराने अवस्था को प्राप्त कर लें। वाइल सम अदर्स कैन नॉट बी रिवर्स, और कुछ ऐसे परिवर्तन भी होते हैं जो नॉन रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि अनुत्क्रमणीय होते हैं। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस, तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे प्रकार से जो है हमारे चारों ओर जो चीज़ें हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है। इट इज़ दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स, और इनमें से कुछ जो है उत्क्रमणीय हों ऐसे संभव हो पाता है। थस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज दैट कैन बी रिवर्स्ड और कैन नॉट बी नॉन रिवर्स्ड। तो इस प्रकार से हम जो है अपने चारों ओर जो परिवर्तन होते हैं उनको उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के आधार पर जो है वर्गों में बांट सकते हैं। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड द वे दीज कैन बी ग्रुप्ड, और इससे बड़ी कक्षाओं में आप आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो है जो परिवर्तन होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से जो है उनको अलग अलग वर्गों में या समूहों में बांटा जाता है करके, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में अपना हमारा जो पूरा चैप्टर था वो कंप्लीट पढ़ लिया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में जो इस चैप्टर की कीवर्ड्स और जो एक्सरसाइज है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है।